नमस्कार, रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत। तो आज मैं बना रही हूँ कुल्थी की दाल, जिसे हॉर्स ग्रैम भी बोलते हैं। और यह ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन पहाड़ियों में बहुत फेमस है और अब तो ये से सभी लोग लगभग जानने लग गए हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे अनेक हैं। तो जब आप इसके फ़ायदे जानेंगे तो अपनी डाइट में भी ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, आयरन, काफ़ी सारे तत्व इसके लिए होते हैं। और ख़ास तौर से यह दाल जो पथरी हो जाती है हमारे पेट में, किडनी में, यहाँ कहीं भी पथरी हो जाती है, तो उस पथरी को निकालने में यह दाल कारगर साबित होती है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी, अभी फ़िलहाल एक कटोरी दाल ले ली है, जिससे बिनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंकड़, छोटे छोटे से पत्थर होते हैं और ब्राउन कलर की यह दाल होती है पहाड़ों में। और अगर जो आप यहाँ किसी भी स्टोर से लेते हैं तो वहाँ ये लाइट ब्राउन की भी आपको मिल सकती है, क्योंकि ये पहाड़ों की दाल है तो ये ज़्यादा ब्राउन कलर की है, ब्लैकिश कलर की है। और इसे मैंने दो कटोरी ले लिया है, अच्छे से बिन करके धो करके गर्म पानी डाल दिया है। और यह दाल गाढ़ी नहीं बनती है, खरी खरी सी, मतलब अलग अलग सी बनती है। तो इसे गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालते हैं कचालू, या तो आप अरबी भी डाल सकते हैं। और जैसे आप काले चने की दाल बनाते हैं तो उसमें भी आप कचालू का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि काले चने भी गाढ़े से नहीं बनते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो दाल स्वादिष्ट बनेगी और गाढ़ी सी बनेगी, ये बिखरी बिखरी सी दाल नहीं होगी। तो आप इस दाल का उपयोग ज़रूर से करें और इसमें यहाँ ज़रूर डालें कचालू। अगर कचालू नहीं है तो आप अरबी कभी उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने एक कचालू डाल दिया और जिसके चार टुकड़े कर दिए हैं। और अब इससे मतलब उबालने रख देंगे, तो उबालने में इसमें 5-6 सीटियां आएंगी। आप यह दाल भिगो भी सकते हैं और बिना भिगोए भी यह दाल आसानी से बन जाती है। तो मैंने लहसुन ले ली है, लहसुन मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने ले ली है, जिसे मैं कूट लूँगी। काटने से उतना अच्छा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता जितना अच्छा टेस्ट कूटने से आता है, ना तो मिक्सी में पीसने से आता है। और यहाँ मैंने आधी कटोरी पानी ले ली है और उसमें मैं पहले से ही मसाले भिगो के रख दूँगी। इससे यह फ़ायदा होता है कि मसाले एक तो फूल जाते हैं, जिसके कारण मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 स्पून चिली पाउडर ले लिया है और 1/2 स्पून हल्दी ले ली है। हल्दी हमने उबालते समय भी डाली थी, हल्दी और नमक, इसलिए कम डालेंगे। और यहाँ गरम मसाला 1 टेबल स्पून के करीबन गरम मसाला जाएगा, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, और इससे लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। करीबन 5 मिनट्स हम इसे भिगो करके रख लेंगे। इस दाल को हमारे यहाँ गैथ की दाल भी कहा जाता है, जिसके हम भरी रोटी भी बनाते हैं और फाड़ा भी बनाते हैं। फाड़ा फिर किसी और दिन बताऊंगी आपको क्या होता है। और अब हम लेंगे 1 प्याज, प्याज ज़्यादा नहीं लेना, 1 प्याज को बारीक काट देंगे अच्छे से। और यहाँ मैंने 2 टमाटर ग्रेट किए हुए हैं, कद्दूकस किए हुए हैं, तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस किए हैं। और अब खास बात है कि हमने कढ़ाई में नहीं भुनना मसाला, हमने फिर से दूसरा कुकर ले लेना, या तो दाल जैसी उबल जाए उसे दूसरे बर्तन में निकाल के और फिर उसी में ही उस दाल के लिए छौंका बना सकते हैं। तो मैंने अभी 2 स्पून रिफाइंड डाले, उसमें प्याज डाल दिया है, जो 1 प्याज हमने काट लिया था, और यहाँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, आप किसी भी दाल में डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ टमाटर डाल दिए हैं। और कुकर में जब भी आप जैसे राजमा भी बनाते हैं या कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो जैसे उबाल दिए दूसरे कुकर में और दूसरे में हमने मसाला बना करके फिर उसमें सीटी लगा दी, तो बहुत ही टेस्टी बनता है।
तो यहाँ मैंने मसाले डाल दिए हैं जो भिगो करके रखे थे, अब यह तुरंत ही पक जाएंगे। अब बहुत अच्छा इससे कलर भी आता है भिगे हुए मसालों से। और यहाँ हमारी दाल उबल करके तैयार हो गई है और मसाले भी बन करके तैयार हो गए एक तरफ, तो इसमें अब हम दाल डाल देंगे। दाल को हमने जो भी उसमें जो कच्चे आलू के पीस थे उसे घोट लिया है और फिर हमने इसमें डाल देनी है। बहुत अच्छे से कच्चे आलू का जो पीस होता है वो अच्छे से घुट जाता है आसानी से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उबल जाता है। और ये देखिए, अगर जो हम कचालू नहीं डालते इसमें तो ये बिखरी बिखरी सी दाल लगती, ये इकट्ठा नहीं लगती। और इसमें अब हम गरम पानी डाल देंगे। जब भी आप दाल में ऊपर से पानी डालें तो गरम डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और ठंडा पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे तो उससे भुने हुए मसाले का भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जो भी गुठली होगी उसे हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है। उन गुठलियों को हम फोड़ देंगे और मिक्स कर देंगे दाल को। और एक बार तो आप जरूर से, यहाँ दाल मिले तो जरूर से लेकर के आना और जरूर बनाना इस दाल को। बहुत टेस्टी लगती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इससे रिलेटेड वीडियो है कि कुलथी की दाल के, मैंने इस दाल के भरी रोटी यानी कि भरे परांठे भी बना करके दिखाए हैं पहले वीडियो में, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ, तो वो ज़रूर से देखें। और उसमें पूरा डिटेल है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कुलथी की दाल के। और जब आप इसकी फ़ायदे जान लेंगे तो अपनी डाइट में इसे ज़रूर से शामिल करना पसंद करेंगे। और मंथ में तो वन टाइम्स आपको ज़रूर से ये दाल खानी चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसका अब होगा। और ये मैंने तड़के के लिए, ऊपर से तड़के के लिए, क्योंकि मैंने पहले जीरा नहीं डाला था। आपने देखा होगा कि जब मैंने रिफाइंड डाला था तो जीरा नहीं डाला था। और अब मैं इसके तड़के के लिए हरे लहसुन के पत्ते ले लूँगी जो कि मेरे गमले में लगे हुए हैं। और अगर जो आपके पास में लहसुन के पत्ते नहीं हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप फिर से लहसुन को काट करके या कूट करके डाल सकते हैं। और यहाँ 2 स्पून घी डाल दिए, इसमें घी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप जब भी ये दाल बनाएं तो इसके ऊपर से यहाँ इसमें छौंका घी का जरूर से दें। घी गरम हो गया है, जीरा डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून, लहसुन के पत्ते डाल दिए हैं। लहसुन के पत्तों का हमारे यहाँ छौंका जोर से लगता है जिन दिनों लहसुन के पत्ते होते हैं। और यहाँ लाल मिर्ची साबुत डाल दी है और यहाँ छौंका बन करके तैयार हो गया है। इतना टेस्टी यहाँ लग रहा है देखने में। और यहाँ देखिए, थोड़ी देर हमने ढक्कन लगाए रखना है, फिर उसके बाद निकाल देंगे ताकि खुशबू बनी हुई रहे। लहसुन के पत्तों की बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप किसी भी दाल में लहसुन के पत्तों का तड़का दे सकते हैं। और श्रद्धा के अनुसार खूब अच्छे से हरा धनिया डालेंगे अगर आप लोगों को पसंद है तो। हमें तो बहुत पसंद है हरा धनिया, लेकिन कईयों को पसंद नहीं होता। तो ये देखिए, कितनी अच्छी दाल यहाँ बन कर के तैयार हुई है, बिल्कुल गाढ़ी सी दाल बन कर के तैयार हुई है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन जब भी पानी मिलाएं तो पानी को ज़रूर से उबाल लें। और यहाँ ऊपर से घी डाल दूँगी। और आप सोचेंगे कि मैंने इतनी सारी दाल क्यों बनाई है, तो हमारे ऊपर भी एक पहाड़ी अंकल आंटी रहते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था,
तो उन्हें भी मैं अवश्य दूंगी। और यहाँ देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है और ये बंद कटोरी के अंदर, उल्टी कटोरी के अंदर चावल छुपे हुए हैं। तो चावल हमारे यहाँ बोलते हैं भात दाल, और क्योंकि सलाद का सीजन है आजकल, मूली का, गाजर का, टमाटर का, और प्याज के बिना तो हमारे गले में खाना उतरता ही नहीं है, तो प्याज तो अवश्य होना चाहिए। तो प्याज भी तैयार है, और एक पहाड़ियों की आदत होती है हरी सब्जी की, जिसे हम पहाड़ी ठुंगार कहते हैं। तो इसमें पहले तो मैं सलाद में तो नमक डाल दूंगी, और अब मैं इसमें रखूंगी हरी सब्जी। और ये हरी सब्जी मूली के पत्तों की है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो मैं छोटा सा एक वीडियो डालूंगी जिसमें हरी सब्जी मूली के पत्ते बताऊंगी। और ये देखिए मूली के पत्ते भी तैयार हो गए हैं हरी सब्जी। तो ये हम पहाड़ियों का खाना होता है, हरी भुज्जी जिसे बोलते हैं हम, ठुंगार जिसे बोलते हैं, और भात दाल। तो आपको यह रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर से बताना, ज़रूर से इंजॉय करना इस खाने को, और मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए मैं आप सब की आभार रहूंगी। तो आइए खाना खाते हैं, लंच बन करके तैयार हो गया है, सलाद तैयार है, तो इससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर से देखिएगा आप। धन्यवाद।